नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्री पैराडाइज। आज हम बात करेंगे गेहूं की खेती। गेहूं की खेती का ये भाग दूसरा है, इससे पहले वीडियो एक आ रखा है। आप सस्य विज्ञान की कक्षा 11 की जब पुस्तक खोलेंगे तो वहां पे आपको पार्ट नंबर 4 पे भारत भारती प्रकाशन वाली बुक में देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले पहला वाला वीडियो देखें, तभी वहाँ से चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। अब हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें पहले जानेंगे, जैसे कि वाइवा में आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाता है, ठीक है, आपके कॉलेज में वाइवा में पूछ लिया जाएगा, या तो आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी, यूपी कैटेट या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ पे चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले पूछते हैं कि गेहूं का जो पौधा होता है वो किस प्रकार का होता है। तो C3 प्लांट होता है, सिंपल सी बात है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। उसके बाद में पूछ लेते हैं कि इसका जो पुष्प क्रम होता है वो किस प्रकार का होता है। अगर हम इसके पुष्प क्रम की बात करें तो आपको पता है कि इसके पुष्प क्रम को स्पाइक कहा जाता है। इसके अलावा इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, हेड कह देते हैं। हेड के अलावा इसी को ईयर कहा जाता है। ये क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि गेहूं का जो पौधा होता है उसकी बाली, गांव में अक्सर बाली बोलते हैं, कुछ इस तरीके से होती है। समझ जाना, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो होती है इसी को बोला जाता है, ये बाली नुमा जो संरचना बनी होती है इसी को स्पाइक बोला जाता है, ठीक है। और ये कवर होती है, ठीक है, इसको घेरे हुई होती है उसको, जैसे कि दाना होता है। आप जब बाली को देखेंगे तो इनके बीच में दाना होगा। दूसरा कलर ले लेते हैं, आपको अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इनके बीच में दाने होते हैं। अब ये दाने किससे कवर होते हैं, आसान सा क्वेश्चन, यहाँ से अगर ज़्यादा कठिन पूछेगा तो यहाँ से भी पूछ सकता है। तो इनको क्या बोलेंगे, जो कवर होता है मतलब ढके हुए होता है, कवर्ड भाई, किससे कवर होता है, तो यहाँ पे ये कवर होता है लेमा और पेलिया से। दाना होता है, गेहूं का दाना वो किससे कवर होता है, लेमा और पेलिया से कवर हो। उसके बाद में पूछ देते हैं कि जो गेहूं का पौधा होता है वो किस तरीके का पौधा है, तो वो लॉन्गडे प्लांट है, ठीक है, लॉन्ग। अब ये C3 क्या होता है और आपका लॉन्ग डे और शॉर्ट डे क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिएगा। फिर पूछ देते हैं गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है। गेहूं की अगर हम टेस्ट वेट की बात करें तो आपको पता होगा कि जो टेस्ट वेट होता है वो 1000 दानों का होता है, ठीक, कितने, 1000 दानों का होता है टेस्ट वेट। गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है तो आपको पता होगा 40 ग्राम होता है। उसके बाद में अगर ज़्यादा कठिन अगर क्वेश्चन बना देगा तो आपसे पूछ देगा जो गेहूं का खरपतवार होता है फाइलेरिस माइनर, ये जो फाइलेरिस माइनर होता है इसका टेस्ट वेट कितना होता है, तो 2 ग्राम होता है, ये भी याद रखना। इसका भी टेस्ट वेट कितने दानों का होगा, 1000 दानों का होगा, ठीक है। और मैंने इसको इसलिए बताया है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर भी IMP लगाइएगा और इस पर भी IMP लगाइएगा। हालांकि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं तो पहले से ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम गेहूं के पोषक तत्व की बात करें कि अगर हम गेहूं की चपाती खाते हैं आटे के रूप में तो इसमें कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, आपको पता है कि ये सीरियल्स वाली फसल है हमारी, सीरियल्स वाली क्रॉप है, तो इसमें सबसे ज़्यादा सीरियल्स में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कितना पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, तो पाया जाता है 60 से 68% के बीच में इसमें पाया जाता है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। अगर हम इसकी प्रोटीन की बात करें, इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है और कितने परसेंट पाई जाती है, तो 8 से 11% इसमें प्रोटीन पाई जाती है गेहूं के अंदर। और कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लूटीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। इसका काम क्या होता है, चपाती बनाने में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, चपाती के लिए अच्छी प्रोटीन मानी जाती है। अब देखो एक एग्जांपल के द्वारा समझिएगा, अगर हम जैसे मान लो तो मक्का का आटा ले लें या बाजरा का आटा ले लें, तो अगर हम उसकी रोटी बनाएंगे तो उसकी रोटियां उतनी आसानी से नहीं बनती हैं, वो टूट जाती हैं। हमारे घरों में देखा होगा कि जब हमारी मम्मी लोग चूल्हे के ऊपर रोटी बना रही होती हैं तो हाथ से ही उसको बेल देती हैं रोटी को, ठीक है, कभी कभार उछाल भी दो तो वो टूटती नहीं है। जो उसकी स्टिकनेस है मतलब चिपचिपाहट है आटे की, वो किसके कारण होती है, ग्लूटीन प्रोटीन के कारण होती है। तो जिस भी आटे के अंदर ग्लूटीन अच्छी मात्रा में होगा, अच्छा होगा, उसकी रोटी उतनी ही अच्छी बनेगी, ठीक है। बाजरे और मक्के में इतनी ज़्यादा ग्लूटीन नहीं होती, उसकी उसमें स्टिकनेस इसीलिए कम होती है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे खाद एवं उर्वरक की बात करें तो देखिएगा, मैंने यहाँ पे बताया कि अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 120 किग्रा प्रति हेक्टर की दर से हम गेहूँ की फसल में देते हैं। ये इतना भी आपको याद ही होना चाहिए क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के तौर पे महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर वहीं पे फास्फोरस की बात करें तो 60 किग्रा प्रति हेक्टर देते हैं, ठीक है। पोटास के कितना दिया जाता है, 40 किग्रा प्रति हेक्टर दिया जाता है। देखिएगा खाद की अगर बात की जाए तो जब हम लोग खाद देते हैं तो 1-2 महीना पहले ही खाद उसमें मिला दी जाती है खेत के अंदर,
ठीक है, सड़ी हुई गोबर की खाद होती है। क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहाँ से बनता है कि नाइट्रोजन कितना दिया जाता है और फास्फोरस और पोटास से, तो तीनों आपको याद ही करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे डिटेल में चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले जो डिटेल में हमारा वीडियो यहाँ पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा कि गेहूं की खेती का पूरा डिटेल में वीडियो आ रखा है। ठीक है, फसल देखेंगे, अगर खेत में जाएंगे वहाँ पे जिंक की मात्रा अगर कम होगी तो आपको ऐसा नहीं होगा कि पूरे खेत में जिंक की कमी की मात्रा दिखाई देगी। ये कैसी होती है, जैसे मान लेते हैं एक पौधा यहाँ पे है, ठीक है, ये कोई पौधा यहाँ पे है, एक पौधा यहाँ पे, एक पौधा यहाँ पे है, इस तरीके से अगर पौधे लगे हुए हैं इस तरीके से, तो ये क्या होता है, हो सकता है इस पौधे में जिंक की मात्रा आपको कमी दिखाई दे, यहाँ पे जिंक की मात्रा की कमी दिखाई दे, ऐसे यहाँ पे या यहाँ पे, पूरे खेत में एक बराबर आपको जिंक की कमी नहीं दिखाई देगी, कहीं कहीं पे दिखाई देगी। तो जिंक की कमी के लक्षण अगर देखने हैं तो इस तरीके से लक्षण दिखाई देंगे कि वहाँ का जो एरिया होगा, जो उसकी पत्ती होगी, वो हल्की सी पीली पड़ जाएगी। अगर हम जिंक की पूर्ति करने के लिए अगर हम उसका नियंत्रण की बात करें तो जिंक सल्फेट 5 किग्रा आप प्रयोग कर सकते हैं यूरिया के साथ में। 16 किग्रा यूरिया ले लेंगे, 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देंगे और इससे छुटकारा मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिंचाइयों की। तो अगर आपसे डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो कितनी सिंचाइयाँ महत्वपूर्ण होती है गेहूं की सिंचाई के लिए, तो 6 सिंचाइयाँ महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी सिंचाइयाँ हैं अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। अगर हम पहली सिंचाई की बात करें तो सबसे पहले देनी होती है CRI अवस्था पे। अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि CRI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो क्या होती है, क्राउन रूट इनिशिएशन। जो क्राउन रूट इनिशिएशन है ये किसके द्वारा दी गई थी, ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण ये सारी बातें हैं। तो RVL भरद्वाज के द्वारा ये सिंचाई दी गई थी, ठीक है, याद रखना। शायद आपको कलर अच्छी तरीके से दिख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन दूसरी सिंचाई कब दी जाती है, कल्ले निकलते समय, जब गेहूं की फसल में कल्ले निकलने लगे तो उस समय पे हम लोग दूसरी सिंचाई देंगे। ये कब दी जाती है, ये आपकी बुवाई के 40 से 45 दिन बाद सिंचाई दे देनी चाहिए। ठीक है, जब गेहूं की फसल में गांठ बनने लगे तो गांठ अवस्था में हम लोगों को तीसरी सिंचाई देनी पड़ती है। और ये जितना भी मैं डाटा बता रहा हूँ कितने दिन बाद दी जाती है, ये सारी बातें आपको याद ही करनी पड़ेगी। 60 से 65 दिन के बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंचाई दे देंगे। ठीक है, चौथी सिंचाई देनी है तो पुष्पावस्था पे देनी पड़ेगी, 80 से 85 दिन बाद बुवाई के। और ये यूपी कट वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाते हैं। अगर तो पांचवी सिंचाई किस अवस्था में देंगे, सबसे पहले ये देख लो, दूधिया अवस्था में। कब देते हैं, 100 से 105 दिन बाद बुवाई के, 100 से 105 दिन बाद बुवाई के बाद हम लोग ये सिंचाई कर देते हैं। उसके बाद में छठी अगर हम सिंचाई की बात करें तो दाना पकते समय 115 से 120 दिन बाद बुवाई के, और उसके बाद में गेहूं पककर तैयार हो जाता है। अगर एग्जाम में आता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके पास अगर मान लो एक सिंचाई उपलब्ध है, ठीक है, जैसे 6 सिंचाई है तो महत्वपूर्ण हो गई, ठीक है। उसके बाद में अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि अगर आपके पास मान लो एक सिंचाई है, एक ही सिंचाई उपलब्ध है, तब आप क्या करेंगे, वो किस अवस्था पे देंगे सिंचाई, तो वो CRI अवस्था पे दी जाती है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण। हमने जैसा कि बताया कि CRI क्या होती है, इसे क्राउन रूट इनिशिएशन बोला जाता है, इस समय पे जड़ें बन नहीं होती गेहूं की, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो यहाँ पे देना पड़ता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर आपके पास 2 सिंचाइयाँ हैं, तब आप किस किस अवस्था में देंगे, CRI पे तो देंगे ही देंगे, उसके बाद में किस अवस्था पे दे देंगे, जब पुष्प बन रहे हो तो पुष्पावस्था पे दूसरी सिंचाई देंगे। आपके पास में 3 ही सिंचाइयाँ उपलब्ध हैं, तब आप क्या करेंगे, CRI पे तो देना ही देना पड़ेगा, गांठ बनते अवस्था पे दूसरी दे देंगे, गांठ अवस्था पे दे देंगे, तीसरी किस अवस्था पे देंगे, दूधिया अवस्था पे दे देंगे, अगर 3 उपलब्ध हैं तब। और CRI पे तो देना ही देना पड़ता है, अगर आपके पास 4 सिंचाइयाँ हैं तब भी आप CRI पे तो देंगे देंगे ही, उसके बाद में क्या करेंगे, आप गांठ अवस्था पे देंगे, गांठ अवस्था के बाद में आप देंगे पुष्पावस्था पे, तीसरी आप क्या कर देंगे, पुष्पावस्था पे दे देंगे। अब बचती है लास्ट वाली चौथी, अगर हम चौथी की बात करें तो आप किस पे देंगे, दूधिया अवस्था पे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आसानी से समझ में आ गया हो। और ये सारी चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगी, किस समय पे कौन सी सिंचाई दी जाती है। एक सिंचाई उपलब्ध है तो CRI अवस्था पे आप देंगे, जिसको हम क्राउन रूट इनिशिएशन बोलते हैं। दूसरी अगर सिंचाई आपके पास है तो CRI और पुष्पावस्था पे देंगे। अगर 3 उपलब्ध हैं आपके पास में तो CRI और गांठ अवस्था पे और दूधिया अवस्था पे देंगे। अगर 4 सिंचाइयाँ आपके पास अवेलेबल हैं तो CRI अवस्था पे देंगे, गांठ अवस्था पे देंगे, पुष्पावस्था पे देंगे और दूधिया अवस्था पे देंगे। ये सारी चीज़ें अपनी नोटबुक पे नोट करते रहना, तो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आती रहेंगी। ठीक है, खरपतवार नियंत्रण की बात करें
तो एक बीजपत्री वाले खरपतवार पहले देखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में दो बीजपत्री वाले देखेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका जो है वो है गुल्ली डंडा। अगर हम गुल्ली डंडा की बात करें तो इसको बोला जाता है गेहूं का मामा। क्या बोला जाता है? गेहूं का मामा बोला जाता है, और इसका जो नाम होता है वो फेरेरिस माइनर होता है। तो ये नाम जो है इसका, इसी गेहूं के मामा को क्या कहा जाता है? गेहूं का नकलची एवं मिमिक्री खरपतवार। अगर आप देखेंगे इमेज में देखिएगा, ये रहा गेहूं के मामा अर्थात फेलेरिस माइनर का, और ये गेहूं का पौधा है। आप देखेंगे तो इनके जो पौधे होते जब तक इसमें फूल नहीं आए होते, इसमें बालियां नहीं दोनों में आई होती, तब तक आप आसानी से पहचान नहीं सकते हैं। तो जब खेत में जाएंगे तो इनके जो पौधे होते हैं एकदम सिमिलर से होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, तो किसान को तो परखने में कठिनाई होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। तो फेलेरिस माइनर्स का नाम होता है, और ये मिमिक्री कहा जाता है अर्थात नकल। ठीक, इसके नियंत्रण के लिए आइसोप्रोट्यूरान जो थी ये बैन हो गई है, ठीक है। तो इसकी जगह पे अब यूज़ किया जाता है सल्फोसल्फ्यूरान। तो ये वाला आपको याद रखना है, आइसोप्रोट्यूरान तो बैन ही हो गया है, प्रतिरोधी हो गया था। जैसे कि क्या होता है कि अगर हम लोग बीमार होते हैं तो दवाइयाँ खाते हैं, वो दवा हमारे ऊपर असर नहीं करती, क्योंकि हम उसके प्रति क्या हो गए, प्रतिरोध हो गए हैं, वो दवा हमारे पर असर नहीं करेगी। तो दूसरी दवा खाते हैं या दूसरे डॉक्टर के पास देते हैं, वो दवा चेंज करता है, तब फायदा होता है। तो इसी तरीके से आइसोप्रोटान के प्रति गेहूं का मामा जो है फाइलेरिस माइनर वो प्रतिरोधी हो गया। तो इसकी जगह पे सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, ठीक है। इसी को गुल्ली डंडा भी बोला जाता है। इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि जंगली जई को क्या बोला जाता है, एवेना फतुआ, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनेगा। आप लोगों ने अगर खेत में गए होंगे, गेहूं के पौधे देखे होंगे, उसके साथ में ये आपको दिखाई देगा। अब अगर हम बात करें द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री की तो बात कर ली है, अब द्विबीजपत्री की बात करें तो बथुआ। बथुआ का नाम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्या नाम है? चिनोपोडियम एल्बम। उसके बाद में अगर हम बात करें कृष्ण नील की, तो इसे बोला जाता है एनागेलिस आरबेसिस, ठीक है। ये भी याद रखना है, एनागेलिस आरबेसिस कृष्ण नील का नाम होता है। इन सबकी अभी फोटो दिखा दूंगा तो अच्छी तरीके से आप लोग समझ जाएंगे, खेत में देखे होंगे। सेंजी की अगर हम बात करें तो सेंजी जो होती है इसको बोलते हैं मेरिलोस एल्वा, ठीक है। ये भी नाम याद रखना। अब इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये वाला है, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना, हिरन खुरी, जिसको कॉन्वोवुलस आरवेंसिस बोला जाता है, तो आपत्तिजनक खतवार बोलते हैं, ठीक है। आपत्तिजनक का मतलब समझिएगा ये क्या होता है। अगर इसके जो दाने होते हैं हिरन खुरी के, अगर ये गेहूं के दानों से मिल जाए, ठीक है, तो आप उनको पहचान नहीं पाएंगे, उनको अलग नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसको आपत्तिजनक बोला जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए, हालांकि जितने भी चौड़ी पत्ती वाले होते हैं खरपतवार, उनके लिए हम सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग करते हैं, किस खरपतवार नाशी का? 2,4-D का प्रयोग करते हैं। 0.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से हम बुवाई के 30 से 35 दिन बाद हम छिड़काव कर देते हैं आराम से। इससे हिरन खुरी वगैरह या जितने भी चौड़ी पत्ती वाले हमारे खरपतवार होते हैं उनसे नियंत्रण मिल जाता है। आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलित जो गेहूं का खरपतवार नाशी है मेटासल्फ्यूरान, ठीक है। इसकी मात्रा कितनी ली जाती है? 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। ये भी चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार नियंत्रण करता है, ठीक है, मेटासल्फ्यूरान। जैसा कि मैंने बताया था कृष्ण नील के बारे में, तो आपको दिख पा रहा होगा कि जो कृष्ण नील होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, उसमें नीले नीले कलर के फूल आते हैं, इसको बोलते हैं एनागेलिस आरबेसिस। इसका नाम याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में अगर हम सेंजी की बात करें, और मैंने चिनोपोडियम एल्बम अर्थात बथुआ का नहीं दिखाया है, बथुआ की दाल वगैरह आप लोगों ने खाई होगी तो वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। अगर सेंजी की बात करें तो मेरिलोस एल्वा बोलते हैं, मेरिलोस एल्वा इस तरीके से इसका पौधा होता है। तो ये भी आप लोग देख कर समझ ही गए होंगे अगर देखा होगा। उसके बाद में अगर हम हिरन खुरी की बात करें, तो हिरन खुरी कॉन्वोवुलस आरवेंसिस बोला जाता है। इसका जो इसके जो बीज होते हैं वो गेहूं के बीज के साथ में मिल जाते हैं तो उनको अलग करना बहुत कठिन बात हो जाती है। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, इसे आपत्तिजनक खरपतवार बोला जाता है गेहूं के। अब हम लोग देखें कीट प्रबंध एवं रोग नियंत्रण। अगर हम कीटों की बात करें तो गेहूं में सबसे महत्वपूर्ण कीट लगता है गेहूं का सैन्य कीट। अगर हम गेहूं के सैन्य कीट की बात करें तो ये जो कीट होता है, आप लोग अगर खेत में देखिएगा कभी, अगर मौका मिले, अगर इस तरीके का कीट लगे तो देखने को मिले तो देखिएगा, वहाँ पर क्या होता है कि जैसे लगता है गेहूं की फसल को कोई जानवर वगैरह चर गया हो। जितनी भी गेहूं की पत्तियाँ होती हैं वो एकदम चरे के समान होती हैं, जैसे पशु चर गया हो, एक भी पत्ती नहीं बचती। इस तरीके से ये कीट खाकर उस पत्ती को नष्ट कर देता है, मतलब पत्तियाँ एक भी बची नहीं बचेगी, पशु जैसे चर गया हो कुछ उस तरीके से लगेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दीमक की। अगर दीमक की बात करें तो सबसे खतरनाक जो कीट होता है वो यही होता है दीमक। दीमक क्या करता है, जो फसल होती है उसकी जड़ में लग जाता है, आप इमेज में देखिएगा, जड़ में लग जाएगा और पूरी तरीके से पौधे को नष्ट कर देता है, ठीक है। तो सबसे खतरनाक इसीलिए माना जाता है,
इसके अगर नियंत्रण की बात करें तो जब इसकी इसका प्रकोप दिख रहा होगा खेत में दीमक का, तो उस समय पे सिंचाई कर दीजिए, तो इससे काफ़ी मात्रा में छुटकारा मिल जाता है। इनके सबके नाम याद रखना है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो जैसा कि मैंने बताया है इस पर वीडियो पहले आ रखे हैं तो देख लेना। उसके बाद में एक है गुजिया बिबिल। अगर हम गुजिया बिबिल की बात करें तो ये नर्सरी की अवस्था का प्रमुख कीट है। ये क्या करता है, नर्सरी में लग जाता है और जो पौधे होते हैं छोटे छोटे पौधे होते हैं, नर्सरी का मतलब क्या है, जब उनकी एज होगी 20 दिन तक की, जब बुवाई के 20 दिन बाद क्या होता है 20 दिन तक ये लग जाते हैं, तो उस समय पे ही क्या गेहूं का पौधा खराब कर देते हैं, तो ये रोग लग जाती है गुजिया, जिसको बोलते हैं गुजिया बिबिल, ठीक है। उसके बाद में अगर हम रोग नियंत्रण की बात करें, रोग अगर लगे हैं जो बीमारियां लग जाती हैं वो कौन कौन सी लगती हैं, एक तो बीज लिप्त बीमारियां क्या होती हैं, जो बीज के अंदर ही बीज में ही लग के और वो हमारे खेत तक पहुंचती हैं, कौन सी, पहाड़ी वंट जिसको बोला जाता है, यहाँ पे पहाड़ी लिख लेना, ठीक है, पहाड़ी वंट, करनाल वंट हो गया, अनावृत कंटुआ हो गया। अगर हम इसके उपचार की बात करें तो बाविस्टीन का प्रयोग करते हैं 2.5 ग्राम प्रति हेक्टर की दर से, और जो आपका पहाड़ी वंट, करनाल वंट, अनावरंत कंटुआ होता है, इससे छुटकारा मिल जाता है। अगर मान लो दीमक लगी हुई है तो दीमक के लिए आप लिंडेल धूल का प्रयोग करिएगा 25 kg प्रति हेक्टर की दर से, तो इससे छुटकारा मिल जाएगा। जैसा कि मैंने बताया दीमक क्या होती है, लिंडेल धूल होती है, उसमें मिला के बीज बोएंगे तो दीमक नहीं लगेगी। अगर मान लो आपने लिंडेल धूल नहीं लगाई है और वैसे ही बुवाई कर दी है गेहूँ की, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप जल भराव की समस्या हुआ उस समय पर आप क्या करेंगे, जल भर दें ठीक खेत के अंदर, सिंचाई कर दें, तो दीमक से छुटकारा मिल जाता है। गेहूं की जो कटाई होती है वो हम कर लेंगे तो जब दानों में नमी हो 20-25% जब दानों की नमी हो तो हम गेहूं की कटाई कर लेंगे, ठीक है। गेहूं के दानों में जब नमी की मात्रा 10-12% हो तो उसका भंडारण कर देंगे, आप उसको सुखा लीजिएगा, धूप वगैरह में सुखा कर उसकी आसानी से कर देते हैं। बीजों को सुरक्षित भंडारण करने के लिए हम लोग किस दवा का प्रयोग करते हैं, तो मेलाथियन का प्रयोग किया जाता है। मेलाथियन की गोलियां वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, जब भंडारण किया जाता है तो गोली डाल देते हैं, तो वो गोली जो होती है वो मेलाथियन की होती है, उससे क्या होते हैं कि कीट वगैरह उसमें नहीं लगते हैं। चूहों के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक ये भी रहेगा, ट्रिटिकेल। ये ट्रिटिकेल क्या है, ये गेहूँ और राई का क्रॉस करा के बनाया गया। राई का मतलब ये सरसों मत समझ लेना, ये क्या है, ये भी एक सीरियल ही है, ठीक है, ये क्या है, सीरियल फसल ही होती है राई, ठीक, राई और गेहूं का क्रॉस करा के बनाएगा ट्रिटिकेल। तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।